अस्सलाम वालेकुम ग्रेड थ्री, टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 6 विच इज़ टाइम। एवरीबडी शुड नो हाउ टू रीड अ क्लॉक। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज रिमेंबरिंग AM एंड PM। हेयर इज़ अ टाइम लाइन हैविंग मिड नाइट, मिड डे एंड मिड नाइट। सो द टाइम बिटवीन मिड नाइट एंड मिड डे इज़ नोन एज AM एंड द टाइम बिटवीन मिड डे एंड मिड नाइट इज़ रेफर टू एज PM। जो रात 12 बजे से दिन बजे 12 बजे तक टाइम होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AM से। एंड देन 12 एट नून टू 12 एट मिड नाइट जो टाइम होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, PM से। ठीक है, सो हेयर इज एक्सरसाइज नंबर 1 विच इज़ लुक एट द टाइम लाइन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। री राइट दीज टाइम्स इन ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट। आपने पहले जो सबसे पहले टाइम स्टार्ट हो रहा है उसे स्टार्ट करना है, फिर आपने सारे टाइम को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। सो फर्स्ट इज 3 PM, 4 AM। तो 4 AM वाले जो टाइम होंगे वो स्टार्टिंग वाले होंगे और जो PM वाले होंगे वो बाद वाले होंगे। सो दिस इज 4 AM, 2 AM एंड 10 AM। सो फर्स्ट टाइम इज 2 AM, अर्लीस्ट टाइम इज 2 AM, देन 4 AM, देन 10 AM। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, 12 नून। सो वी विल राइट फर्स्ट टाइम विच इज़ 4 AM। 4 AM मीन सुबह के जो आपके 4 बज रहे होते हैं। ओके, सेकेंड टाइम इज़ सॉरी, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, 2 AM जो रात के 2 बज रहे होते हैं। देन 4 AM, देन 10 AM जो मॉर्निंग टाइम होता है जिस टाइम पे आप स्कूल में होते हैं। देन 12 नून दोपहर के 12 बजे। उसके बाद PM वाले टाइम स्टार्ट हो गए हैं विच इज़ 3 PM, 4 PM, 5 PM एंड 7 PM। सो पहले हम क्या लिखेंगे, 3 PM, देन 4 PM, 5 PM एंड देन 7 PM। सो यू हैव टू री राइट दीज टाइम्स इन स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। सबसे पहले आपने 2 AM लिखा जो रात 2 बजे से स्टार्ट होता है, मिड नाइट से सुबह नून तक जो टाइम स्टार्ट होते हैं वहाँ से हम स्टार्ट करें, 2 AM, देन 4 AM, 10 AM, 12 नून, देन 3 PM, 4 PM, 5 PM एंड 7 PM। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज आर दीज टाइम AM और PM। सो यू हैव टू राइट वेदर दे आर AM और PM। फर्स्ट इज 2 o'clock एट नाइट, रात के जो 2 बजे होते हैं। सो दिस इज AM, ठीक है, जो मिड नाइट से इस टाइम स्टार्ट होके दोपहर तक जाता है उसे क्या कहते हैं हम, AM। देन 4 इन द इवनिंग, दिस इज PM। ओके, 7 इन द मॉर्निंग, दिस इज AM। 11 एट नाइट इज PM। वाई, ये आपका 12 बजे से पहले का है, सो दिस इज PM। 10 ड्यूरिंग द डे इज AM। अगर ये 10 ड्यूरिंग द नाइट होता तो हम इसको PM लिखते। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज आर दीज टाइम्स AM और PM। 30 minutes after midnight, midnight के बाद के जो 30 minutes हैं वो क्या होंगे, AM। अगर 30 minutes before midnight होता तो हम उसको PM लिखते। नंबर बी इज 8 minutes टू midnight। midnight के बाद जो midnight होने में आधी रात होने में अभी 8 minutes बाकी हों तो उसको क्या कहेंगे हम, PM। 9 minutes टू noon, 12 नून, दोपहर 12 बजने से 9 मिनट पहले, तो ये क्या होगा, AM। 10 मिनट्स आफ्टर 11:55 PM, 11:55 PM से 10 मिनट बाद, तो 11:55 में अगर हम 10 मिनट्स ऐड कर दें तो इट बिकम्स 12:05 AM। ठीक है, अगर हम रात
11:55 में अगर हम 10 मिनट्स ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएंगे, 12:05, ठीक है, वो 12:05 हो जाएंगे. सो इट बिकम्स AM. एंड लास्ट इज 6 मिनट्स आफ्टर 12 noon. सो 6 मिनट्स आफ्टर 12 noon इज PM. अगर 6 मिनट्स बिफोर 12 noon होते तो वो क्या हो जाता, AM. सो दिस इज PM. सो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1, यूनिट नंबर 6, विच इज हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन AM और PM. आपने इसमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा टाइम AM होता है और कौन सा PM. सो द टाइम बिटवीन मिड नाइट एंड मिड डे इज AM एंड द टाइम बिटवीन मिड डे टू मिड नाइट इज PM. ठीक है, रात 12 से जो दिन 12 बजे के बीच टाइम होता है उसको क्या कहेंगे हम, AM. दिस इज 12, 3, 6, 9 AM, 6 AM, 3 AM. और जो दोपहर 12 से लेकर रात 12 तक टाइम होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, PM से. सो दिस इज़ एक्सरसाइज नंबर 1, दिस इज़ योर होमवर्क. जज़ाकअल्लाह.